How are you? I hope you are fine. Today we will discuss chapter 1st, number system, exercise 1.3. Some key points of exercise 1.3. Firstly, we discussed about the property of rational number, terminate or non terminate, repeating decimal expansion and non repeating decimal expansion. देखिए बेटा, कोई नंबर है वो टर्मिनेट कब होगा और नॉन टर्मिनेट कब होगा, उसका डेसिमल एक्सटेंशन रिपीटिंग वाला कब होगा और नॉन रिपीटिंग कब होगा. देखिए, जैसे ये नंबर लिया मैंने 17/8. अब हम 17 को 8 से डिवाइड करेंगे. 17 को 8 से क्या करेंगे, डिवाइड. 8 टू 4 16, रिमिट क्या आएगा 1. अब यहां पॉइंट लगा दिया, अब यहां भी पॉइंट, यहां क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी. अब फिर 8 बन जाए 8, तो ये रिमिट क्या बचा 2. अब यहां 0 बचेगी, यहां भी 0. 8 टू 4 16, रिमिट क्या आया 4, फिर 0 यहां भी 0. 8 5 4 14, लेकिन रिमिट क्या बचा लास्ट में 0. यानी जब हमने डिवाइड किया 17 को 8 से, तो क्वेश्चन जो है सम स्टेप्स के बाद जो रिमाइंडर हमारे क्या आ जाता है, 0 आ जाता है. अगर ऐसे फाइनाइट स्टेप हो, अगर डिवीजन के अंदर जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो फाइनाइट हो, तब तो नंबर क्या होगा, टर्मिनेट. ठीक है, और अगर स्टेप क्या हो, इनफाइनाइट, अगर यहां डिवीजन के अंदर जो स्टेप है वो क्या हो, इनफाइनाइट हो, और कोई जो हमारा जो क्वेश्चन है उसकी जो डिजिट्स है वो रिपीट भी ना होती हो, तब हम उस नंबर को क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेट कहेंगे. जैसे कि हम 20 को 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 20 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 6 4 18, लिमिट क्या हो सकती हो, अब यहां भी पॉइंट लगा दिया, यहां भी पॉइंट, यहां क्या आ जाएगी 0. 3 6 4 18, क्या बचा रिमाइंडर 2, यहां 0 लिखेंगे, यहां भी 0. 3 6 4 18, फिर रिमाइंडर क्या है 2, यानी ऐसे 2 ही आता जाएगा. तो जो हमारे क्वेश्चन का आ रहा 6.66 डैश 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 ऐसे. अब देखो यहां हम जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे डिवीजन के अंदर, जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो क्या हैं, इनफाइनाइट हैं, जैसे मैं डैश डैश लगा देता तो नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है डिवीजन के, इनफाइनाइट. बट यहां क्या है, रिपीटेशन है, जो सिक्स वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. अब जब कोई नंबर जैसे स्टेप क्या हो, इनफाइनाइट हो और रिपीटेशन भी ना हो, स्टेप क्या हो, फाइनाइट है या इनफाइनाइट में रिपीटिंग है, ठीक है, तब क्या है वो नंबर रैशनल है और अदरवाइज इरेशनल. देखिए रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers but q not equal to 0. लेकिन यहां हम क्या बता रहे हैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन, इफ ए नंबर इज आइदर टर्मिनेट, इफ ए नंबर इज आइदर टर्मिनेट और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देन इट इज रैशनल, अदरवाइज इरेशनल. That is, we can say if a number is neither terminate and nor repeating, then it is irrational. So, rational number or irrational number, समझा आप सभी को? यानी कि हमने पहले क्या बताया, मतलब terminate कब होगा और non terminate कब होगा? यानी terminate कब होगा? जब हम divide करेंगे और division के जो number of steps हैं, वो या तो क्या हो, finite हो, या फिर क्वेश्चन के अंदर जो डिजिट है वो क्या हो, रिपीट हो, तब वो टर्मिनेट होगा. ठीक है, अगर स्टेप्स क्या हो, इनफाइनाइट हो, अगर लिमिट जीरो ना आए और रिपीट भी ना हो, तब क्या हो, वो नॉन टर्मिनेट. ठीक है, और ये क्या है, रिपीटिंग, और इसको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग. अब ये चार बातें क्लियर होगी, टर्मिनेट कब होगा, नॉन टर्मिनेट क्या होगा, रिपीटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग क्या होता है, और अब ये बात देखनी है बेटा कि कोई नंबर रैशनल कब होगा और
इरेशनल कब होगा? इफ ए नंबर इज आइदर टर्मिनेट और रिपीटिंग देन इट इज रैशनल, एंड इफ ए नंबर इज नाइदर टर्मिनेट और नॉर रिपीटिंग देन इट इज इरेशनल। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। जैसे कि फर्स्ट 500 36 500, इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है? डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो 36 500 है, डेसिमल फॉर्म क्या रहेगी? 0.236। जैसे नीचे 10 होता है तो हम क्या करते हैं, वन डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं राइट साइड से। अब 100 है तो डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, ये क्या बन गया डेसिमल फॉर्म। अब हमें ये बता दें ये नंबर कैसा है। तो दिस इज 10 एंड दिस इज टर्मिनेट, दिस इज टर्मिनेट। और सेकंड जैसे क्या है, 1/11, हम क्या करेंगे, 1 को क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। तो 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 क्या है, छोटा है, तो बेटा स्टार्ट के अंदर एक पॉइंट लग जाएगा और यहां क्या आ जाएगा 10। तब यहां 10 आ गया, 10 जो छोटा है 11 से, तो उसके नाम की यहां 0 और लिखेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 11 9 4 99, रिमाइंडर क्या बचा 1, फिर यहां से 0 जाएगा कि यहां 0 था, लेकिन 10 क्या है, 10 फिर 11 से छोटा है तो क्या करेंगे, 1 0 जाएंगे और यहां पर आ जाएंगे। अब जो 0 ने यहां चलाई और यहां उतारी है उसके नाम पर यहां क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 11 9 4 99, फिर रिमाइंडर 1। तो वैसे यानी कि ये जो हमारा जो क्वोशेंट लिखा आ जाएगा 0.09, उसके ऊपर 12 आ जाएगा। 12 मींस ये क्या है, रिपीट होता जाएगा। सो दिस इज नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। नाउ पार्ट, जैसे कि पार्ट है थर्ड, पार्ट थर्ड 4 8 1 8, तुम क्या करेंगे 4 8 1 8, इसको हम ऐसे लिखेंगे 8 4 32 और प्लस 1 33 8, ठीक है। अब हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या करेंगे, 33 को 8 से डिवाइड करेंगे, इजी डिवाइड 33 8 4 32, रिमाइंडर क्या है। अब यहां भी पॉइंट बच जाएगा, यहां भी पॉइंट बच जाएगा, इस पॉइंट के नाम क्या है, 0 8 1 4 8, लिमिट क्या है 2, फिर यहां से 0 चलाएंगे यहां भी 0, ठीक है। 8 2 4 16, लिमिट क्या है 4, फिर यहां 0 लिखेंगे यहां भी 0। 8 5 4 40, यहां 4 क्या आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट 0 आ जाएगा। अब देखो फाइनाइट स्टेप है, डिवीजन के अंदर कितने स्टेप है, फाइनाइट, ठीक है। सो दिस इज टर्मिनेट। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट सेम एज पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड। नाउ वी डिस्कस्ड क्वेश्चन सेकंड। Now we'll discuss question second. You know 1/7 equal to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal extension of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 without actually doing a long division? बिना डिवाइड किए हमने 1/7 का डेसिमल एक्सटेंशन गिवन है और बगैर डिवाइड किए 2/7, 3/7, 4/7 का डेसिमल एक्सटेंशन हमने लिखना है।
देखिए बेटा कैसे लिखेंगे, जैसे हम 2 पाई से 1 को लिखेंगे, 2 पाई से 1 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 1 पाई से 1, ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 0.142857 बार। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 1 जा 14, 1 के 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और 1 7, 1 के 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और ये पॉइंट का चल गया, दैट इज सी आ जाएगा। ऐसे ही 3 बाय 7, इसे 3 बाय 7 तो क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1 बाय 7, अब 1 बाय 7 की वैल्यू गिवन है, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 0.142857 का, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 0.42857। मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही क्या करेंगे, 4 बाय 7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 4 मल्टीप्लाई 1 बाय 7, 1 बाय 7 की वैल्यू की, 5 बाय 7 फाइंड आउट करनी है तो 5 मल्टीप्लाई 1 बाय 7, 1 बाय 7 की वैल्यू गिवन है, 6 बाय 7 फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 1 बाय 7 और 1 बाय 7 की वैल्यू भी गिवन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, आशा है कि आप सभी को ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और जिन बच्चों के वीडियो पसंद आए वो सभी बच्चे हमारे YouTube चैनल SGS ग्रुप को सब्सक्राइब करें और इस हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। थैंक यू।